हेलो दोस्तों, ये जैसन प्रो है, इसमें बैटरी का प्रॉब्लम आ रहा है पापी भाई का, तो इसको आप फ्लशिंग करेंगे। इसका फाइल प्रॉपर फूट रहा है, तो वीडियो को यहाँ से देखते रहिए। चैनल पर नया चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। वेलकम टू हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और स्किप करके वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों, इसको पावर ऑफ करके आपको वॉल्यूम पावर और वॉल्यूम अप और बीच वाला होम बटन दाब के आपको रखना है। और सबसे पहले आपने यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन, जैसे कि मैंने बताया, आप यहाँ से दाब के रखना है। उसके बाद आपको वॉल्यूम प्लस दाबना है, यहाँ पर डाउनलोड मोड में चला जाएगा। डाउनलोड मोड में जाने के बाद आपको ओडिन ओपन कर लेना है। इसका मैं टूल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लेना। यहाँ से आपको फाइल सेलेक्ट कर लेना है। बी एल सारे फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और ध्यान रहे दोस्तों, कभी भी आप फ्लशिंग करें तो लेटेस्ट फाइल ही फ्लशिंग करें। अगर वो ओल्ड फाइल होगा तो फ्लशिंग छोड़ देगा। तो प्रॉब्लम आप देख ही चुके हैं, और यहाँ पे कंटिन्यू ये चल रहा है फ्लशिंग हमारा। ये देख सकते हैं हमारा फ्लशिंग चल रहा है, प्लग लगा हुआ है। तो कंटिन्यू विदाउट स्किप किए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। वीडियो को स्किप मत करना, तो स्किप करने से फिर वो ऑप्शन लोगे। और चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जैसे ही ये प्लसिंग हो जाएगा, वो जो प्रॉब्लम इंटरनली आ रहा था, इसका जो फ्रेमवेयर प्रॉब्लम का, वो प्रॉब्लम और नहीं आए। ये देख सकते हैं प्लसिंग अभी चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ये इसमें प्लसिंग होने में मुश्किल से 2 मिनट ही लेता है। ये जैसे फ्लशिंग कंप्लीट होगा, मैं आपको दिखा दूंगा ये कितनी देर में फ्लशिंग कंप्लीट हुआ है। ये फाइल आप देख सकते हैं, मैंने कौन सा फाइल डाला है। मेरा वीडियो कोई फेक नहीं होता है, जो होता है रियल वीडियो होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। ये देख सकते हैं हमारा फ्लशिंग प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे पास भी हो चुका है। और ये देख सकते हैं 1 मिनट 28 सेकेंड लगा है दोस्तों ये फ्लशिंग कंप्लीट होने में। और ये हमारा जो इंटरनली जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो भी हट गया है यहाँ से, और ये फ्लशिंग हो रहा है, फ्रेश सिस्टम चल रहा है। तो ये दोस्तों अभी पूरा इरेस हुआ है, ये नया फाइल चढ़ा है, तो पुराना वाला फाइल ऑटोमेटिकली इरेस हो रहा है। तो अभी ये चालू होने में थोड़ा वक्त लेगा हमारा। देख सकते हैं सैमसंग दिखा के आ रहा, वो जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम और नहीं आ रहा। लेकिन आपको एक काम और करना है दोस्तों, ध्यान से आपको एक बार इसको हार्ड रीसेट कर लेना है, ये ज़रूरी है, वरना फिर कभी बाई चांस आपका फाइल में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कैसे करना है, आपको पावर को ऑफ करना है, वॉल्यूम दाबना है, और आपको वॉल्यूम प्लस दाब के रखना है। अगले बार जब आपको डाउनलोड मोड में जाना है तो आप अप दाब के रखना है, लेकिन आपको जब हार्ड रीसेट करना है तो वॉल्यूम अप दाबना है। तो किस तरह करना है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऑफ कर लिया, ये देख सकते हैं, और मैं ये वॉल्यूम अप और ये पावर और ये बीच वाला होम बटन में दाब के, तो ये बटन आपको दाब के रखना है। ये देख सकते हैं हमारा इंस्टॉलिंग और ऑपरेटिंग डेटा में चला गया, और ये इरेस मोड में भी जाएगा। ये ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है पुराना फाइल आपका जो अब सिस्टम से ना हटा हो, फाइल प्लसिंग तो हो गया लेकिन वो हटता नहीं। अब आपको यहाँ पे इरेस वाला ऑप्शन मिल गया, जैसे ही वॉल्यूम दाबोगे अब तो ये इरेसिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ये वेब डाटा फैक्टर रीसेट ऑप्शन पे जाना है, नीचे वाले ऑप्शन पे आपको पावर बटन से ओके कर देना है, और ये ओके हो गया, ये हमारा फैक्टर रीसेट हो चुका है। उसके बाद आपको वेब डाटा भी क्लीन कर लेना है और सिंपली इसको रिबूट कर देना। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है चालू होने में। मैं यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्किप करूँगा वीडियो को, पहले मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये सैमसंग लिखा के चालू हो रहा है, थोड़ा सा ठंडा कैसे चालू हो रहा है, अभी पूरा सारा ऐप इंस्टॉलेशन देगा, उससे पहले 1 मिनट हमें इंस्टॉलेशन देगा, उसके बाद वो आपके सामने होगा। तो ये देख सकते हैं हमारा पूरा
इंस्टॉलेशन, जैसे कि मैंने कहा आपको इंस्टॉलेशन मिलेगा। तो ये दोस्तों देख सकते हैं आप, पूरा मैंने ऑन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको लिंक दे देता हूँ, फिर से अपनी वहाँ से करोगे। बाय।